टू क्लास लास्ट क्लास में जो हमने किया था इट इज स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स. डू यू रिमेम्बर दैट? यस मैम. तो हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कर दिया, राइट? देन वी हैव डन स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड आल्सो. दोनों कर दिए थे. How many structures we have done? Five. पांच करे थे अंकल. Five structures. तो पांचों के पांचों जो structures हमने किए थे, उन पांच structures को अगर हम देखें कि हमें उसके से learn क्या करना है, but we have to just memorize. बेटा ionic solids ये आपके पास है NaCl, cesium chloride, zinc sulfide, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड. दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस. दोज आर देयर इन योर सिलेबस. जब आप NaCl कहते हो तो आप इसे बोल रहे हैं ये रॉक सॉल्ट. तो रॉक सॉल्ट एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें सोडियम क्लोराइड उसका एग्जाम्पल, ठीक है. जिंक ब्लेंड, इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड. जब आप जिंक ब्लेंड की बात करते हो तो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर आता है. देन यू हैव सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड स्ट्रक्चर और ये आपका पास बन जाएगा Na क्लोराइड स्ट्रक्चर. तो फ्लोराइड, Na फ्लोराइड, जिंक ब्लेंड एंड देन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये पांच स्ट्रक्चर्स थे. सोडियम क्लोराइड में आपके पास क्लोराइड आयन CCP, सोडियम आयन 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कॉर्नर्स एंड सीजियम आयन एट बॉडी सेंटर. जिंक प्लेट में आपके पास सल्फाइड आयन CCP एंड जिंक टू पॉजिटिव. आपके लिए ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स. Alternate tetrahedral voids. या फिर आप कह सकते हो alternate tetrahedral voids भी बोल सकते हैं. या फिर हम कह सकते हैं 50% of tetrahedral voids. कुछ भी याद किया जा सकता है. यहाँ आपके पास oxide ion CCP और sodium ion all यानी 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स. नेक्स्ट में आपके पास कैल्शियम आयन इज गोइंग टू बी CCP एंड फ्लोराइड आयन इज इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स. दिस इज हाउ वी कैन लर्न. इन आपको उनकी पोजिशन ध्यान रखनी पड़ती. फिर कितने यूनिट से, जब आप यूनिट से बात करोगे तो आपके पास ये बनेगा Na4Cl4. क्लियर है? क्लियर है? फिर हमें क्या याद करना, वी आर गोइंग टू क्या लेट क्या करना है. वी आर गोइंग टू लर्न इट एस जेड. जेड इज 4 1 4 4 4. देन यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 6 8 8 4 4 4 8 8 4. एंड देन इन दिस पैकिंग वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न द इंटर आयनिक डिस्टेंस. हम इसके अलावा
आपको एक इंटर आयनिक डिस्टेंस याद करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटर आयनिक डिस्टेंस है a बाय टू, हियर इट इज गोइंग टू बी रूट थ्री ए बाय टू। हाँ जी बेटा, आप सिग्नल स्ट्रेंथ ठीक हुआ बेटा प्लस टू क्लास? यस मैम। ओके, अब आपके पास इस टेबल में हमने इंटर आयनिक डिस्टेंस तक का सारा टेबल बना दिया था। चेक करो जरा, हमें इसमें न्यूमेरिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है। व्हाट दे कैन आस्क इज, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो वो कहेंगे व्हाट इज द इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस इसका सोडियम क्लोराइड का पूछा गया तो ए बाय टू, यानी एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड आयन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इंटर आयनिक डिस्टेंस, राइट? जल्दी से ये टेबल नोट करो, कंप्लीट दिस टेबल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जैसे बाकी सबके कोई कॉमन नेम है तो सीजियम क्लोराइड का कोई कॉमन नेम नहीं है? नहीं, सीजियम क्लोराइड को सीजियम क्लोराइड। ठीक है। ये टेबल चॉइस का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास बना लो। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें याद रखते हैं। वो आपसे कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू अबाउट जेड अपॉन के इक्वेशन, दे कैन आस्क कोऑर्डिनेशन नंबर जेड और इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो पैकिंग के बारे में जैसे ये क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन हैज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मान लो ये सारे आ जाए तो केटाइन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम में है और कैल्शियम में, क्योंकि इन दोनों में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एट आ रहा है फॉर केटाइन। अब देखो, इसको मैंने उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ केटाइन पैकिंग बना रहा है और एनाइन वॉइड्स में जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था, एनाइन इज गोइंग टू मेक द पैकिंग एंड केटाइन इज गोइंग टू द वॉइड। क्लियर? यस मैम। नोट कर लिया सबने? ये लास्ट क्लास का ही टॉपिक है, जिन लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम, चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले। यस मैम। नो आयनिक सॉलिड्स के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या किसी भी पैकिंग में सिर्फ एक ही तरह का केटाइन या एक ही तरह का एनाइन होगा? तो आंसर इज दो, किसी भी पैकिंग में कोई भी केटाइन एक से ज्यादा टाइप के हो सकते। So we can have some packings like spinel structure. हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं स्पिनल अरेंजमेंट और स्पिनल स्ट्रक्चर। When we talk about spinel arrangement, तो स्पिनल अरेंजमेंट में आपके पास दो तरह के केटाइन्स होते हैं, which have two types of केटाइन्स। एक होता है डाई ये अपनी अपनी पोजिशन चेंज कर सकते। This is going to be bipartite where the octahedral void may present. It is present in octahedral voids. लेकिन कितनी voids? तो आप से कहते हैं 1/4 of octahedral void are occupied. और B के लिए आप से कहते हैं कि trivalent is going to be in tetrahedral void. एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सारे वॉइड्स में नहीं होता भी, बी इज प्रेजेंट ओनली इन
1/4 times tetrahedral voids. यानी 1/4 of octahedral and 1/4 of tetrahedral दोनों ही तरह के voids जो है occupied. अब आप सोचो अगर ऐसा है दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं. अब आपने कहा ऑक्साइड इज हैविंग, लेट्स सपोज सारी वॉइड्स भरी नहीं हुई है, सिर्फ 1/4 पे ही ए टू पॉजिटिव जाएगा और 1/4 पे ही बी थ्री पॉजिटिव जाएगा, बाकी सारी वॉइड्स खाली भरी, राइट. तो इसका मतलब हुआ ए हमारे पास कितना आएगा, बी एंड ऑक्साइड. तो मैं आपसे कहूंगी दिस इज 4, 8 इंटू 1/8, 6 इंटू हाफ. अगर ये 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 4, और उसका क्या लेना है मुझे, 1/4. टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 के लिए क्या होंगी, 8. तो 8 और 8 का हम क्या ले रहे हैं, 1/4. बेटा ये बन गया ए वन बी टू ओ फोर. तो ये आपके पास बन गया ए बी टू ओ फोर. तो आप ये कह सकते हो कि जिन पैकिंग में एक से ज्यादा कैटायंस हो उन पैकिंग्स की पॉसिबिलिटी भी हो. तो ये आपके पास ए बी टू ओ फोर है. अब अगर मैं इसको ऐसा बना, इफ आई राइट ए टू पॉजिटिव B3 positive and oxide. अब आपसे बोलो ये है CCP arrangement. Now this is going to be in 1/8 of tetrahedral voids. And this is going to be in 1/2 of octahedral voids. Can you solve it? What will be the answer after making calculations? Tell us the formula now. Excuse me, ma'am. And you too. Ma'am, आपने A के लिए octahedral void लिखा है, but oxygen के लिए closed packing क्यों, क्यों भी closed packing? Oxygen packing बनाएगा बेटे, तभी तो उसके बाद तो voids आएंगे. ठीक है ma'am. ये packing बनी, उसके बाद ये voids बनी. उन voids में कुछ वॉइड्स में ए टू पॉजिटिव चला गया, कुछ में बी थ्री पॉजिटिव चला. इट्स लाइक दैट. यस मैम, ये क्लियर हो गया. और हमें ये लर्न करना है कि 1/4 होगा और ये 1/8 होगा. हाँ, अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन करना सीखना है. वहां भी गिवन होगा स्टेटमेंट कि 1/8 है या 1/4 है, आपको तो ये फाइनल फॉर्मूला बना के दिखाना है. और यहाँ पे आपने 1/4 इंटू 4 क्यों किया, इसका रीजन क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 4, जितने पार्टिकल्स उतनी वॉइड्स. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं डबल, 4 पार्टिकल्स हैं तो 8. यस मैम, क्लियर है, थैंक यू मैम. फॉर एन पार्टिकल्स, अगर आपके पास एन पार्टिकल्स हो तो एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, आपने इसके लिए कैलकुलेशंस करने के लिए बताओ मुझे क्या बने, व्हाट विल बी द आंसर? A1 B2 O4. इट इज A1 B2 O4. इट मींस आंसर अभी भी सेम आ रहा. ठीक है, तो अब हम कहेंगे इसका मतलब इन दोनों पैकेजेस में आंसर सेम है. अगर एक को हम स्पिनर अरेंजमेंट बोलते हैं तो दूसरे को क्या बोल देते हैं, इनवर्स स्पिनर. तो आपके पास दिस इज गोइंग टू बी द स्पिनर अरेंजमेंट, तो हम कहेंगे ये जो है ये इनवर्स स्पिनर है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, सिर्फ इतना ही फर्क है कि इनवर्स स्पिनर स्ट्रक्चर में आपका बाइवेलेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे चला गया, जबकि स्पिनर में आपका बाइवेलेंट टेट्राहेड्रल वॉइड पे जा रहा. दैट इज ओनली डिफरेंस. तो आप कहते हो स्ट्रक्चर में पैकिंग में कुछ भी ऐसा आ सकता है. For example, if my question is magnesium 2 positive is present in 12.5% of tetrahedral voids,
and aluminium 3 positive is in 50% of tetrahedral void. In cubic close packed arrangement of oxide and aluminium, what is the formula? Formula kya hoga? Can you make formula now? Excuse me, ma'am. Ma'am, एक बार स्पिनल अरेंजमेंट का मीनिंग बता दोगे? नाम है बेटे जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जैसे रॉक सॉल्ट एक स्ट्रक्चर का नाम है, ऐसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड. तो स्पिनल इज वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इट्स अ टाइप ऑफ पैकिंग फॉलोड बाय टू टाइप्स ऑफ कैटायन 1 एनायन. इस अरेंजमेंट का नाम स्पिनल में एक्सेस हुई इंग्लिश लिया क्योंकि अल्फाबेटिकली मीनिंग पूछ ली. वर्ड एज सच जो है वो तो एक टर्म है जो पॉइंट की गई है इस स्ट्रक्चर के. आंसर आ रहा है MgAl2O4. करेक्ट, ठीक है. आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड 2 नेगेटिव. ये CCP given था. This is 12.5% of your tetrahedral voids. This is in 50% of octahedral voids. हाँ जी बेटे, CCP में पहले बताओ oxide ions will be, how many oxide ions are there? CCP. बोलो CCP में ऑक्साइड आइंस कितने होंगे? 4. फोर होंगे. ऑक्साइड आइंस आर 4. मैग्नीशियम आइंस टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 1. और उसका 12.5% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर 4 एंड 50% ऑफ दैट. या आपके पास 2 आ गया, दिस इज 1, दिस इज 4. इट मीन्स योर आंसर इज MgAl2O4. ठीक है जी, समझ आया सबको ये पार्ट? इट मीन्स अब आपको सिर्फ ये सीखना था यहाँ पर, अगर पैकिंग को वो डिस्क्राइब करते तो क्या आप फॉर्मूला बना पाओगे? हाँ जी बच्चे, अनन्या समझ आया? अनन्या समझ आ रहे? हाँ जी मैम. मनु शुक्ला, मैं एमजी बने कैसे आया? 12.5 × 8 is 100. ठीक है, 100 by 100 is 1. आपने कहा था ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हो जाएं, 4 पार्टिकल्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 8. अब 8 हो गया, उसका क्या लेना है मुझे? 12.5%. जब मैंने 12.5% लिया तो मैंने सॉल्व करके देखा तो आंसर आ रहा है 1. एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, इनको सॉल्व किया तो 2 आ गया. ऑक्साइड आइंस 4, MgAl2O4. क्लियर? गॉट इट? Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, चले आगे के टॉपिक पे. तो ये आपके पास था when description is given to you and you are just going to calculate the
फॉर्मूला एंड हाउ टू मेक द फॉर्मूला, ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव में नजर आ सकते हैं। स्कूल एग्जाम्स में तो ऐसा क्वेश्चन चाहे ना भी लिखे, लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नजर आएंगे। अब स्कूल में आप ये क्वेश्चन कब नजर आ सकते हैं, जब आपको वो वन मार्क वाले क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव वाले फर्स्ट 20 क्वेश्चन, उन 20 क्वेश्चन में आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मान लिए मैंने 0.5 मोल ऑक्साइड आई थी, ठीक है, और इनकी जो पैटर्न है वो FCC। अब मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर हियर, यू थिंक अबाउट कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वहां पर होनी चाहिए, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर हियर, एंड देन माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल वॉइड्स विल बी हियर। Can you answer these three questions? A, B, C. I'm 0.5 mole, मतलब half हो जाएंगे। नहीं, ध्यान से देखना, ऑक्टा हेड्रल वॉइड्स अगर मैंने मेरे पास ऑक्साइड आयंस 0.5 मोल है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास 0.5 मोल, ये मतलब हुआ। अब वो कॉर्नर्स पे है, फेस सेंटर्स पे है, वो तो डिफाइंड है, तो CCP अरेंजमेंट में तो पार्टिकल्स आ रहे हैं कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, तो ये आपके पास 0.5 मोल है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आप लेंगे जब n पार्टिकल्स हो, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो, n, ये कितनी हो जाएंगी 2n, और टोटल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी 3n, क्लियर हुआ। तो अब आप मुझे 0.5 मोल ऑक्साइड आयंस, तो 0.5 मोल ही क्या बन जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी 0.5 × 6.022 × 10⁻²³ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं। अब आप बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो, जितने पार्टिकल्स हैं उनसे डबल, तो आप होंगे 1 मोल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दिया जाएगा 1 × एवोगैड्रोस नंबर, टोटल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, व्हेन वी से हाउ मेनी टोटल वॉइड्स आर हियर, तो आप कहोगे इट इज गोइंग टू बी 3, तो 3 टाइम्स 0.5 × 6.022 × 10³, हाँ जी बेटे, याद है, बताओ समझ आया, इज इट क्लियर। समझ आ रहा है सबको, मैं हमने में एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड्स चाहिए ना, देखिए मोल इज नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल में तो आपने बहुत बड़ा लिमिटेड बोल दिया, यानी बेसिकली 0.5 मोल ऑक्साइड आयंस, तो कितने पार्टिकल्स हुए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो आप होगी यहां 0.4 मोल है, 0.5 मोल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, जैसे एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, आप कहते हो एवोगैड्रोस नंबर, राइट। अब आपके पास वहां कितने पार्टिकल्स हैं, 0.5 मोल, तो आपके पास पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, नेचुरल है 0.5 × एवोगैड्रोस नंबर। ओके मैम, ठीक है, तो ये आपके पास आयनिक सॉलिड्स एंड देयर पैकिंग्स, वी आर फिनिश्ड विद द टॉपिक पैकिंग्स एंड आयनिक क्रिस्टल्स। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं,
That is a radius ratio of fluid. Next heading we have is a radius ratio rule. When we talk about radius ratio rule, तो बेटे radius ratio rule का मतलब है आपको दो चीजों का radius देखना है और उसकी ratio लेनी है. If this is radius R and here the radius is capital R. So there is a term, a radius ratio. Radius ratio का मतलब है small r by capital R. यानी आप ये कह सकते हो radius of tetrahedron divided by radius of anion. That is called radius ratio. अब रेडियस रेशियो जो है वो आपके पास मिनिमम रेडियस रेशियो कहते हैं 0.155 और लेस, या फिर ये रेशियो हो सकती है 0.155 टू 0.225, 0.225 टू 0.414, 0.414 टू 0.732 एंड 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में जो आप कह रहे थे सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बोल रहे थे वो यहां से डिसाइड होता था. तो रेडियस रेशियो इज गोइंग टू हेल्प अस इन नोइंग द कोऑर्डिनेशन नंबर. यानी जब आपने सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बोला है, इसका मतलब वहां रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन इस रेंज में आ रही है. अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो रेडियस रेशियो इज गोइंग टू बी लाइक दिस. अगेन 0.225 टू 0.414, तो रेडियस रेशियो जो आपका से वो कोऑर्डिनेशन नंबर डिपिक्ट कर जाते हैं. तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे आप कहते हो हमें ये समझ आता है कि टाइप ऑफ वॉइड वहां पे कौन सी इन्वॉल्व है. तो फर्स्ट को आप बोलते हो लीनियर वॉइड, सेकेंड को हम बोलते हैं ट्राइंगुलर वॉइड, थर्ड इज नेम्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड, fourth is octahedral and fifth type is cubic void. तो जब भी हम voids की बात करते हैं तो voids are going to be linear, triangular, tetrahedral, octahedral and cubic. अब question arises कि इसका मतलब क्या बन पा रहा है radius ratio का. उनका कहना है कि anion is going to be in the packing and cation is going to the void. एनायन पैकिंग बनाता है, कैटायन उसके वॉइड में जाता है. तो आपके पास पैकिंग मेड अप ऑफ लार्ज स्क्वायर. तो लार्ज स्क्वायर क्या बना रहा है, पैकिंग बना रहा है एंड द स्मॉल स्क्वायर विल गो टू वॉइड. जो छोटा वाला पार्टिकल है वो वॉइड में चला जाए. जैसे आपने कहा क्लोराइड ने पैकिंग बनाई और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया, इट मींस सोडियम आयन इज गोइंग टू द वॉइड एंड क्लोराइड इज गोइंग टू मेक द पैकिंग. और अल्टीमेटली आप उसका क्या निकाल पाओगे, रेडियस रेशियो. सोच के देखो आप, अगर मैं आपसे बोलूं रेडियस ऑफ सोडियम divided by radius of chloride is 0.525. ये condition है. बेटा if this is the radius ratio, what is the coordination number of sodium ion? Ma'am 6. तो आपको भी coordination number of sodium, ये कौन सी value है इन दोनों के बीच में fall करती है? तो answer is 6. Yes. अब हमें वॉइड्स की शेप को समझना है और रेडियस रेशियो को कंसेप्ट लेना है कि हमने रेडियस रेशियो कैसे निकाला.
ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? दिस इज ऑल फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स ऑफ योर मैथमेटिक्स. ये सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ रहा है. रेडियस रेशियो कैसे आया आंसर, दिस इज ऑल मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल टूल्स. जल्दी से ये टेबल बना लेंगे. इन वैल्यूज को हमें याद करना कि रेडियस रेशियो किसकी क्या होती है और उसके बेसिस पे फिर हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेट करते हैं. रेशियो याद करते हैं 0.155 टू 0.225, 225 से 0.414, 414 से 0.732 एंड देन 732 टू 0.999. ये रेडियस रेशियो है जिसके बेसिस पे हमें इक्वेशन मिल सकता है. दोनों का रेडियस दे देंगे, पूछेंगे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. यस बेटा अनन्या हमें याद करना पड़ेगा. दो बार बोलो याद हो जाएंगे. 0.555 0.225 0.414 0.414 0.732 and 0.732 0.999. अब हम कहते हैं रेडियस रेशियो जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. तो मोर इज द रेडियस रेशियो, मोर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मोर इज द रेडियस रेशियो, मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर. जब रेडियस रेशियो बढ़ती है तो कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. तो आयनिक कैरेक्टर एंड रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यदि आप समझ सकते हो सीजियम क्लोराइड इज मोर आयनिक देन सोडियम क्लोराइड. उनका कहना है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है उनमें आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. हाई प्रेशर पे रेडियस रेशियो बदल जाती है. तो आप कह सकते हो कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो क्रिस्टल किसी भी पैकिंग कोड एड्रेस कर रहे हो आप, तो कहेंगे पैकिंग बनी कैसे, नेचुरल साइजेस ने डिसाइड किया कौन कैसे पैक होगा. उनका कहना है जब पैकिंग बनती है हम कैटाइन और एनाइन का रेडियस रेशियो का गेस करने कैलकुलेट करने हम थोड़ा बहुत उसके लिए काफी कुछ जान पाते हैं कि कैसी पैकिंग होगी, कैसी वॉइड में हो जाएगा. दिस वी कैन प्रिडिक्ट. Let us suppose I want to draw triangular void. If I am going to draw triangular void, the triangular void is like this. ये है triangular void. यानी एक triangle है तीन walls की. उसके सेंटर में जो थोड़ा सा स्पेस है उसको हमने कह दिया दिस इज ट्राइंगुलर वॉइड. अब इस ट्राइंगुलर वॉइड के अंदर ये जो छोटा सा बॉल है इसका रेडियस है स्मॉल आर और ये जो बड़ा बॉल है इसका रेडियस है कैपिटल आर. अब मुझे तो रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है. अब आप ऐसे समझो अगर हम ये लाइन बनाएं स्ट्रेट, फिर एक स्ट्रेट लाइन एंड मेक अ ट्रायंगल, ठीक है.
तो हम एक ट्राइंगल बना पा रहे हैं जिसमें ये टू आर, दिस इज अगेन टू आर, दिस इज अगेन टू आर, बट दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. तो आप ये कह सकते हो हमें एक ट्राइंगुलर वॉइड नजर आ रहा है, शेप ऑफ द वॉइड इज गोइंग टू बी अ ट्राइंगुलर शेप. हमें चाहिए कुछ ऐसा सिस्टम जिससे हम इसकी रेडियस रेशियो इमेजिन कर सकते हैं. वी जस्ट वांट टू हैव द रेडियस रेशियो. अब मैं अगर इतनी ट्राइंगल को इमेजिन कर रही हूं, सिर्फ इतना ट्राइंगल मैंने इमेजिन किया, तो आप मुझे बताओ कैपिटल आर ये रहा, ये मेरे पास बन गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये एंगल, दिस एंगल इज, ये एंगल कितना होगा बोलो, 60, और ये एंगल लिया मैंने इतना, कितना हुआ 30 बोलो. मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स बताओ बेटे, ये ट्राइंगल जो है अगर यहाँ 60-60 के एंगल्स हैं, तो यहाँ ये उसका हाफ जा रहा है ना यहाँ पे, कि ये ट्राइंगल मैंने इससे आधा लिया है, 30 हुआ, ये थर्टी डिग्री. कैन यू टेल मी आर प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, यानी 1 प्लस आर बाय कैपिटल आर किस चीज के, किस वैल्यू के इक्वल है ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्री क्या कहती है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय आर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या होता है मैम? सेकेंड थीटा. बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो पता है ना? यस मैम. बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? मैं कॉस, कॉस, ये कॉस 30 डिग्री होता अगर मैं यहां लूं, तो 1 बाय कॉस 30 लिख दो बेटे, इज इट क्लियर? क्या आप ये समझ पा रही हो कि कॉस 30 डिग्री इज आर बाय आर प्लस आर, तो 1 बाय आर ये कर लू तो ये बच जाएगा कि नहीं? अब मुझे बताओ व्हाट इज कॉस 30? कॉस 30 कितना होता है? रूट थ्री बाय टू, यानी 2 बाय रूट 3 कर सकते हैं. तो व्हाट इज द रेडियस रेशियो? 2 बाय रूट 3 माइनस 1, सॉल्व करके बताओ कितना आता है? इट इज 2 बाय 1.73 माइनस 1. सॉल्व द वैल्यू एंड टेल मी द आंसर. Zero point one five four seven. कर दो 1.55 बेटा. अब आपको ये बात समझ आ गई कि जो मैंने वैल्यू लिखी थी 0.155 वो कहां से आ रही है? यस मैम.
जो हमने वैल्यूज याद की है दोस वैल्यूज आर एक्चुअली ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज, इसलिए हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। उनका कहना है कि अगर इन दो पार्टिकल्स के रेडियस की रेशियो 0.155 तो ट्राइंगुलर वॉइड भी एडजस्ट हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इससे कम हो रेशियो इससे भी कम हो जाए तो फिर वो कैसी वॉइड बनती थी, लीनियर। अगर रेशियो और भी कम हो जाए दैट इज गोइंग टू बी अ लीनियर वॉइड। अब ये पार्टिकल्स सिर्फ दो ही पार्टिकल्स को टच करेगा तो लीनियर वॉइड की रेशियो मैंने क्या रखी थी, रेडियस रेशियो इज लेस देन 0.155 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। यानी वो आपसे कहते हैं कि अगर तो ट्राइंगुलर वॉइड में एडजस्ट होता है पार्टिकल वैल्यू, अगर रेडियस रेशियो ये पार्टिकल और भी छोटा है यानी इनकी रेडियस रेशियो और इसकी रेशियो ये रेशियो बहुत ही कम आ रही है, फिर अब आप बताओ ऊपर बॉल रखती हूँ इसको टच नहीं कर पाए तो ट्राइंगल में एडजस्ट नहीं होगा कि लीनियर ही बनेगा, जैसे बेरिलियम क्लोराइड जैसा BeCl2। तो हम कहते हैं बेरिलियम इतना छोटा होता है कि वे दो बॉल्स के बिल्कुल सेंटर में पड़ा रहता है और वो लीनियर वॉइड लेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 2। क्योंकि ट्राइंगुलर वॉइड में आपका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो आई विल राइट BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब बोरॉन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए रेशियो थोड़ी सी बढ़ गई और वॉइड कौन सी चली गई, ट्राइंगुलर वॉइड। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अ वॉइड रेशियो। आप बताओ यहां तक तो समझ आ गया। Yes, अब हमें समझना है टेट्राहेड्रल वॉइड की रेशियो कितनी आ रही थी 0.225, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां से शुरू होती है 0.225 से। तो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कैसी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, चार पार्टिकल्स को टच करना है। Tetrahedral void is ये चार बॉल्स, ये बॉडी डायग्राम, यहाँ पे वो छोटी सी बॉल जिसे आप टेट्राहेड्रल वॉइड भी कह रहे हो एंड दिस इज द सिस्टम। टेट्राहेड्रल वॉइड चार बॉल्स के बीच यानी बॉडी डायग्राम के आगे रास्ते पे लोकेशन समझे अगर हम तो हम कहेंगे दिस इज कॉर्नर, दिस इज गोइंग टू बी बॉडी सेंटर। अगर आपको याद हो तो कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड आती है और ये वॉइड चार बॉल्स को टच करती है। ये साफ नजर आ रहा है कि दिस सेंट्रल पार्टिकल इज गोइंग टू टच फोर बॉल्स 1, 2, 3 and 4 बस। तो कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर जो पीछे से आ रहा है इन चार के सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही है, ये तीनों भी टच कर रही है। तो अब मैं इस वाले डिस्टेंस को ले सकती हूँ और इस डिस्टेंस को ले सकती हूँ। अब मैं इसको लेवल कर देती हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू 2 times कैपिटल आर एंड ए सी इज इक्वल टू 2 times capital R plus ma'am.
मैम अपने जो पार्टिकल्स हैं वो चार जगह बनाए और दूसरा अपने आप बॉडी सेंटर को लिखा। टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन बताओ क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेटेड होगी? इट इज लोकेटेड एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या थी? टू ऑन each body diagonal, right? ठीक है? Yes, ma'am. So two on each body diagonal. अब मैंने आधा बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया, दिस इज हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक तो नहीं होता, यहां से आगे जाओगे तो पूरा बॉडी डायगोनल बनेगा। तो ये कॉर्नर है तो ये बॉडी सेंटर हुआ, तभी जो आपने टेट्राहेड्रल वॉइड रखी ना बीच, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। गॉट इट? मैम जब हमने बनाए थे तो हमने डायगोनल पे दो बनाए थे टेट्राहेड्रल के लिए ना। हाँ, तो मुझे अभी एक ही बॉडी ड्रॉ करनी है ना बेटा, मुझे एक का ही रेडियस रेशियो निकालना है। जो भी एक का रेडियस रेशियो आएगा दूसरा भी दूसरे का भी वही होगा। यस और नो? हम एक ही बॉडी को सॉल्व करेंगे ना, हम दोनों करना है। यस मैम वो ठीक है, पर ठीक है ना, आ गया समझ रहे? तो हमने अभी एक ही वॉइड पे काम करना था, इसलिए हम सिर्फ एक ही वॉइड के बारे में सोच रहे। ठीक है जी, आप पहले यहां तक देख लो, मैंने जो रूट टू ए और रूट थ्री ए लिखा है वो आपको क्लियर है? Yes. चलो फिर अब आगे चलते। रूट टू ए इज टू टाइम्स कैपिटल आर एंड रूट थ्री इज टू टाइम्स कैपिटल आर प्लस टू टाइम्स स्मॉल आर। इज इट क्लियर? चेक मैम, टेट्राहेड्रल वॉइड है, मैं दोबारा समझा दीजिए प्लीज। टेट्राहेड्रल वॉइड बेटे कहाँ होते हैं? ये मैंने एक पैकिंग बनाई, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी सेंटर है। टेट्राहेड्रल वॉइड एक यहाँ बड़ी है और एक यहाँ बड़ी है, टू ऑन ईच बॉडी डायगोनल। ओके मैम, तो मुझे अब एक ही वॉइड के बारे में सोचना है। तो मैंने इतना ये वाला पार्ट बना दिया, बस मैंने इतना ड्रॉ किया यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन। तो मैंने पूरा भी ड्रॉ किया, मैंने यहां तक ही ड्रॉ किया ताकि मैं इसका रेडियस रेशियो आपको निकाल के दिखा दूं और फिर बाकी सेम ही आएगा, जहां से मर्जी उठा दूं। गॉट इट? ओके। तो अब मैंने आपको क्या लिख दिया, ये बॉडी सेंटर है ना, दिस इज द बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में क्या आ गए? टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज कॉर्नर, दिस इज फेस सेंटर। कैसे? ये मैंने फेस सेंटर लिया, दिस इज बॉडी सेंटर, दिस इज कॉर्नर और फिर ये पीछे वाला फेस सेंटर, ऐसे। तो हमने इतना क्यूब यानी एक क्यूब का 1/8 ड्रॉ किया ताकि हमें सिर्फ एक टेट्राहेड्रल वॉइड समझ आ जाए। क्या हुआ, समझ आ गया? मिटा दूं? यस मैम, अब आ गया। तो आपने एक टेट्राहेड्रल वॉइड को उठा लिया। अब बताओ बेटे, हमें ए सी बाय ए बी करना है। अगर मैं ये रेशियो लूं तो क्या आएगा? टू टाइम्स कैपिटल आर प्लस टू टाइम्स स्मॉल आर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स कैपिटल आर
इट इज रूट थ्री बाय रूट टू. टू को कॉमन ले लेते हैं, इट इज आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज रूट थ्री बाय रूट टू. एंड वन प्लस आर बाय कैपिटल आर इज 1.732 डिवाइडेड बाय 1.414 और आर बाय कैपिटल आर कम्स आउट टू बी निकाल कितना है. इसको सॉल्व करते हैं तो 0.225 आना 1.25. तो 1.225 माइनस 1 आ गया ना 0.225. गॉट इट. तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमने 0.225 टाइम्स कैपिटल आर लिखा था. आर एस सी ठीक आ गया जी, समझ आया. प्लस टू क्लास ये बात समझ आई. यस यस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब हमें ड्रॉ करना है रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. आपके एनसीईआरटी में इस पे तो क्वेश्चन आया है. वन क्वेश्चन इज हियर हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की रेडियस रेशियो पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया. अगर आपको बाय चांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू हैंडल दैट क्वेश्चन. करें बेटा, यहां तक नोट कर लिया सबने. आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन हमें अब पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम रेडियस रेशियो के बारे में सोच सकते हैं. तो टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सबसे पहले बताओ उसकी लोकेशन कहाँ होती है. हाँ जी बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट आपके जो एज सेंटर एंड द बॉडी सेंटर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. वो कहते हैं आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर दिमाग लगाओ. यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ ऐसी चार बॉल्स, बीच में ये छोटी बॉल, एक बॉल इसके ऊपर और एक बॉल इसके नीचे. दिस इज अ स्मॉल बॉल, ये अभी फिलहाल चार को टच कर रही है. एक इसके ऊपर भी होगा और एक इसके नीचे भी होगा. तो आप कहोगे वन बॉल above and one below. Therefore, coordination number 6. तो हमने 6 coordination number को उठा लिया. यहां हमें coordination number 6 चाहिए था, that we have taken.
अब आप इसमें क्या ले सकते हो, यू कैन जस्ट टेक द ट्राइंगल्स, आप इन ट्राइंगल्स को कंसिडर कर, ये रही मेरी एक ट्राइंगल, दिस इज ए बी सी, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए सी, टू टाइम्स कैपिटल आर, एंड व्हाट इज ए बी, टू टाइम्स कैपिटल आर प्लस टू टाइम्स स्मॉल आर. अब अगर ए सी एल है तो ए बी जो है रूट टू एल होगा, अगर ट्राइंगल की साइड एल हो तो उसका डायगोनल रूट टू एल होता है, ठीक है जी. तो ए बी बाय ए सी, और मुझे करके बताओ कि रेडियस रेशियो क्या आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. ए बी अपॉन ए सी करना सर. मैं 1.414 ठीक है सर. टू टाइम्स आर प्लस टू आर ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय टू टाइम्स कैपिटल आर, इट इज रूट टू, टू इन टू इज कैंसिल, इट इज आर प्लस आर बाय कैपिटल आर इज root 2 is 1.414. मैंने मैं 0. मैं 1.4. Yes. और 1.4. तो r by r आंकड़ा में 0.414 ठीक आ गया. आपने यही कहा था कि radius ratio of octahedral void is 0.414. तो 0.414 कहाँ से आ रहा था? That is again a geometrical calculation from where we can calculate the answer. So we predict the answers by just looking at the geometries. ठीक है जी, यहाँ तक भी समझ आ गया? Any doubt? No ma'am. इनमें से आपको tetrahedral और octahedral ये दोनों पक्का अच्छी तरह से इसलिए याद रखना है, देखो ऑब्जेक्टिव में तो रेडियस रेशियो याद रह जाए बहुत है, वो हमें ये नहीं पूछेंगे ना हाउ टू कैलकुलेट, लेकिन जब सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें वो पूछ सकते हैं डिराइव द इक्वेशन, derive the formula, how this ratio is going to be there, तो वहां tetrahedral और octahedral ही आने के chances है, वो दोनों आपके NCERT में mentioned है, तो आपको वो दोनों याद करने अच्छी तरह से, और उनकी derivation जो मैंने अभी simple सा कराया है, this you can easily do that, right? तो ये हमारे पास था voids and its radius ratio calculation. अब हमारा एक topic यानी chapter का one part अच्छी तरह से cover up हो गया है, that is your how to get the packing box pistons. Okay. Now next topic पे move करते हैं. Let's move on to the next topic. हाँ जी बेटा, अब तक मैंने जो chapter जो कराया है मैं उसको sum up कर देती हूँ. अब तक हमने पहले सीखा था crystalline and amorphous, उनके differences, pseudo solids. फिर उसके बाद हमने कहा type of crystalline solids, metallic, ionic, covalent, molecular. उसके बाद हमने किया था एक ही तरह की बॉल्स अगर पैक हो जाए तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीन तरह के क्यूब. और उसके बाद हमने किया था उन पैकिंग्स में यूनिट सेल कैसा होता है, सेंटर्ड होगा कि नॉर्मल प्रिमिटिव होगा, 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवेज लैटिस आर देयर, वो 14 टाइप्स क्या है वो हमने सारा एक्सप्लेन किया, 14 टाइप्स की फिर आगे ऑर्थोरॉम्बिक क्या है, हेक्सागोनल क्या है, दैट वी हैव डन. उसके बाद हमने किया था क्रिस्टल्स इन यूनिट सेल एंड डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, दैट वी हैव डन. आफ्टर डेंसिटी, मास ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, जेड कैलकुलेशन, ये सब करने के बाद हम पहुंच गए थे आयनिक सॉलिड्स पे. जब हम आयनिक सॉलिड्स पे पहुंचे तो हमारा टॉपिक बन गया कि केटाइन और एनाइन पैक हो गए. अब केटाइन और एनाइन दोनों के साइजेस बराबर नहीं है, जब साइज बराबर नहीं होते हैं तो डेफिनेटली कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा. जब छोटे और बड़े की बात आई तो कोई किसी वॉइड में घुस रहा था, तब हमें समझ आया कि अब जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पैकिंग के वॉइड में जाएंगे, जैसे सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया, जिंक इज गोइंग टू टेट्राहेड्रल वॉइड. जैसे वो वॉइड्स के अंदर जाने लगे तो हमें रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड समझ आया.
और वहां से हमने टॉपिक लिया रेडियस रेशियो, और अब हम रेडियस रेशियो को एक्सप्लेन कर चुके थे कैसे वो रेडियस रेशियो आता है। ठीक है, यहां तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया था। अब वो कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बनेगा इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स आप बनाते हो क्रिस्टल्स, यदि आप कह सकते हो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं है ना बेटा, मैंने कहा कि सोडियम को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना चाहिए, पक्का जाना चाहिए, लेकिन अगर वो हमारी बात ना माने और ऑक्टाहेड्रल की बजाय टेट्राहेड्रल में चला जाए, जा सकते हैं, क्योंकि सोडियम भी एक आयन ही तो है। अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाएगा तो जो क्रिस्टल, वो जो पैकिंग, वो जो सिस्टम आप बना रहे थे वो परफेक्ट नहीं रह जाएगा, दैट विल बिकम इम्परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे कहा जिंक क्या होता है, रिपीट करें, आर गोइंग टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। अगर मैंने ऐसे बोला कि सोडियम को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाना चाहिए, और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाने के बजाय टेट्राहेड्रल वॉइड में चला गया कोई एक दो गलती से, अगर ऐसा हो जाए तो आपका क्रिस्टल डिफेक्टेड क्रिस्टल। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्रिस्टल सिस्टम जिसमें कुछ गलतियां हैं, जिसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, पोजीशंस में, कॉर्नर पे क्लोराइड को आना था और क्लोराइड कॉर्नर पे आना भूल ही गया, एक क्लोराइड गायब हो गया, तो हम कहेंगे वो क्लोराइड कहाँ चला गया, इट मीन्स वहां पे गैप रह गया, वो जो गैप रह गया इट मीन्स इम्परफेक्ट क्रिस्टल। तो वो आपसे कहते हैं कि सारे क्रिस्टल्स परफेक्ट नहीं होते, उनमें कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं, और वो जो इम्परफेक्शंस हैं उनसे उनकी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। यानी कोई क्रिस्टल अगर परफेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, और अगर उसमें इम्परफेक्शंस आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो उनको उस टॉपिक को हमने कहा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या फिर हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस का मतलब डिफेक्ट्स, यहां तक समझ आया डिफेक्ट्स का मतलब क्या है। क्लियर, लिखे, यस। आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, सबसे पहले हम कहेंगे आइडियल क्रिस्टल इज जिसमें आप कहोगे ऑल यूनिट सेल्स आर हैविंग सेम लैटिस पॉइंट्स थ्रू आउट। एक होता है आइडियल क्रिस्टल, तो आइडियल क्रिस्टल का मतलब है राइट डाउन इन विच सेम यूनिट सेल हैविंग सेम लैटिस पॉइंट, सेम यूनिट सेल हैविंग सेम लैटिस पॉइंट्स repeated again and again, leading to lattice koi disorder nahi, sirf perfection, right? Or imperfect crystal kisi kehte hain, imperfect or defected crystal, आप होंगे any departure from the ideal behavior या ideal arrangement of lattice. अगर आइडियल से थोड़ा सा भी हटकर कुछ हुआ तो वो डिफेक्टेड, क्या तक समझ आया। अब वो कहते हैं ये जो है हाइपोथेटिकल, आइडियल क्रिस्टल्स
only at 0 Kelvin. आइडियल क्रिस्टल सिर्फ 0 केल्विन पे ही हो सकते हैं, अदरवाइज आइडियल क्रिस्टल्स होते ही नहीं. ठीक है, यानी व्हेनेवर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा देयर विल बी सम डिसऑर्डर or imperfection in the crystal. तो ये आपको समझ आ गया. इसका मतलब जब हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा होता है, 25 degrees Celsius मतलब 298 Kelvin. तो रूम टेम्परेचर पे जब आप नमक हाथ में पकड़ते हो तो नमक का क्रिस्टल आइडियल नहीं होगा, तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट होंगे क्योंकि 0 केल्विन पे ही वो आइडियल हो सकता है, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डिफेक्टेड क्रिस्टल्स. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? मैम रिकनेक्ट करना. अभी कितना टाइम है बेटी क्लास ऑफ होने? मैम 3.5 मिनट्स. चलो अगर मैंने उससे पहले पैक कर दिया नहीं तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करा दो फिर उसके बाद पैक. ठीक है, तो अब हम कहते हैं डिफेक्ट्स जो है वो दो तरह के हैं. डिफेक्ट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दो मेन टाइप्स है. एक और बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस. वन कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक imperfections और second को हम बोलते हैं atomic imperfections. ये एक को आप कह सकते हो electronic defect और दूसरे को कह सकते हो atomic defect. ठीक है, atomic imperfections को हम point defect भी कहते हैं. These are also named as point defects. The atomic imperfections or point defects. Right? Atomic imperfections fit two types of cube. एक होती है vacancy imperfections. यानी vacancy defects क्या कह सकते हो, और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स. वैकेंसी डिफेक्ट्स और वैकेंसी इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स. तो एटॉमिक इंपरफेक्शंस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. हमने कहा एक हो सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा आपके पास हो सकता है interstitial defects. करें आगे. yes. अब आपको क्रिस्टल्स के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, अब मुझे इसके बारे में और बताना है, वो तो एक ही टॉपिक. अब जब हम पहले पढ़ लेते हैं बड़ा अदर टाइप्स. Point defects. जब हम कहते हैं point defects, यानी इन्हीं की बात करते हैं. Point defects में हम फिर कहते हैं आगे आ सकता है stoichiometric, non-stoichiometric and impurity. We can have stoichiometric imperfections, stoichiometric. Then you have non-stoichiometric, and the third one is impurity defects. Defect का मतलब imperfection ही है. Stoichiometric से दो तरह की होती है.
One is called Strontki. And the second one is named as Prandtl.